लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। भैया आके खोलिए हनुमान। महादेव। हनुमान, देवपुर नरेश, महाराज वीरमणि हमारे भक्त और रक्षित हैं। जो उन पर वार करेगा मारा जाएगा। महादेव, आपने मेरे रक्षक प्रभु श्री राम के भ्राता अश्वमेध अश्व के रक्षक भैया शत्रुघ्न पर प्रहार किया। हनुमान, हमें जो करना था हमने किया, अब जो तुम्हें करना है तुम करो। महादेव, शीघ्र अति शीघ्र भैया शत्रुघ्न को पुनः जीवित कीजिए, अन्यथा। कदापि नहीं, हम अपने रक्षित और भक्त की रक्षा करने के लिए विवश हैं। तो ठीक है महादेव, जिस प्रकार आप अपने रक्षित की रक्षा के लिए प्रहार करने के लिए विवश हैं, ठीक उसी प्रकार मैं भी अपने रक्षित भैया शत्रुघ्न की रक्षा के लिए प्रहार करने के लिए विवश हूं। महादेव, मुझे आपसे युद्ध करना पड़ेगा, मुझे आपसे युद्ध करना पड़ेगा। महादेव, जय श्री राम। नारायण नारायण। शिव 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 शिव, ये क्या हो रहा है? रुद्र अवतार और रुद्र में युद्ध? नहीं, माता पार्वती, माता पार्वती, रक्षाम रक्षाम। चाहिए वहीं पर। शांत शांत रुद्रावतार, शांत रुद्रदेव। देवी पार्वती, हमें अपने दिए वरदान की रक्षा करनी है। माता, मुझे भी अपने वचन की रक्षा करनी है। परंतु हनुमान, अपने वचन की रक्षा करने के लिए क्या तुम अपने पूज्य पर प्रहार करोगे? और आप स्वयं रुद्रदेव रुद्रावतार पर प्रहार करेंगे? नारायण 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 नारायण। ये कैसी लीला है आपकी? नारायण 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 नारायण। प्रभु, कृपया शत्रुघ्न और रुक्मांगद को सचेत कर इस विवाद को समाप्त कर दीजिए। प्रभु, समाप्त कर दीजिए। रुद्रदेव और रुद्रावतार, आप दोनों ये बात सुन लीजिए। मैं आप दोनों के बीच एक रेखा के समान हूँ। यदि आप दोनों में से किसी ने भी मुझे पार किया तो। नहीं माता, नहीं। इसके आगे कुछ न कहना माता, इसके आगे कुछ न कहना। महादेव, महादेव, ये रुद्रावतार अपने वचन के पालन में असमर्थ है, और जब रुद्र अवतार अपने वचन के पालन में असमर्थ है तो उसके जीवन का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूं कि रुद्र के हाथों रुद्र अवतार की जीवन लीला समाप्त हो जानी चाहिए। भोलेनाथ, मुझे समाप्त कर दीजिए। महादेव, मुझे समाप्त कर दीजिए। प्रभु, क्या आप अपने ही अंश को समाप्त होने देंगे? प्रभु, जिस प्रकार आपने राजा वीरमणि को रक्षा का वरदान दिया है,
ठीक उसी प्रकार आपने प्रभु श्री राम को भी विजय का वरदान दिया है। क्या आप उनका अश्वमेध सफल नहीं होने देंगे प्रभु? देवर्षि, हम जानते हैं कि देवी पार्वती को यहाँ लाने में आपका हाथ है, परंतु हम अपने दिए वरदान का क्या करें? नारायण नारायण, इसका भी हल मेरे पास है प्रभु। इन सब समस्याओं का हल मेरे पास होता है, इसीलिए तो लोग मुझे देवर्षि नारद कहते हैं। महाराज वीरमणि, रुद्र और रुद्र अवतार के युद्ध से सारा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, क्या आप ऐसा होने देंगे? आप भी तो रुद्र भक्त हैं, कृपया करके भोलेनाथ को उनके वरदान से मुक्त कीजिए। मैं स्वयं देवर्षि नारद आपसे प्रार्थना करता हूँ। मैं अपने वरदान से आपको मुक्त करता हूँ प्रभु, मैं आपका भक्त हूँ। जब भक्त के संकट को भगवान दूर कर सकते हैं, तो क्या भक्त को भगवान के संकट को दूर नहीं करना चाहिए? मैं अपने वरदान से आपको मुक्त करता हूँ प्रभु, मैं अपने वरदान से आपको मुक्त करता हूँ प्रभु। वीरमणि, तुम धन्य हो, तुम सचमुच धन्य हो। प्रभु, इस युद्ध में जो भी आहत हैं, उन्हें सुध में लाइए प्रभु। देवर्षि, ये कार्य भी आप कर दीजिए। जब हम सबको संकट से आपने उबारा है, तो ये संकट भी आप ही दूर कीजिए। जो आ गया प्रभु, नारायण नारायण। नारायण 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 नारायण। देवर्षि नारद की, गुरुदेव नारद की, देवर्षि नारद की, देवर्षि नारद की, देवर्षि नारद की, देवर्षि नारद की, गुरुदेव नारद की। आप निसंकोच होकर कहिए, इस समय मैं अध्यापति राजा राम हूं। यदि आप राज परिवार के किसी सदस्य के बारे में भी कुछ कहना चाहते हैं, तो आप स्पष्ट होकर कह सकते हैं। हम आप सबसे पहले भी कह चुके हैं कि व्यक्तिगत समस्याओं को भी हम एक राजा की दृष्टि से देखते हैं। आप निसंकोच होकर कहिए। प्रभु, जिस दिन से वे दो मुनि कुमार अयोध्या वासियों को राम कथा सुनाकर गए हैं, तब से हर अयोध्या वासी के मन में एक ही विचार उठ रहा है, श्री राम। प्रजा के विचारों को हमारे गुप्तचर हम तक पहुंचा चुके हैं। प्रजाजनों, हम ये जानते हैं कि आप सब यही सोच रहे हैं कि वो दो मुनि कुमार अयोध्या के राजकुमार हैं, और आप सब ये चाहते हैं कि हम उन राजकुमारों को उनकी माता सहित आदरपूर्वक अयोध्या में ले आए। हमें इस विषय में कोई संदेह नहीं है श्रीराम, वे अयोध्या के राजकुमार ही हैं। उनकी प्रतिभा, उनका हाव भाव देखकर ही लगता है कि वे मुनि कुमार नहीं, राजकुमार हैं। हो सकता है कि आप सत्य कह रहे हो, परंतु परीक्षा लिए बिना हम किसी भी सत्य को स्वीकार नहीं कर सकते। यही हमारा सिद्धांत है और यही हमारा आदर्श। प्रभु, आपके पास परीक्षा का पर्याप्त समय था। उन मुनि कुमारों के जन्म को 10 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और अयोध्या वासी 10 वर्षों से अपने राजकुमारों से वंचित हैं। प्रभु, क्या यह अयोध्या वासियों के प्रति अन्याय नहीं है? हम इस प्रश्न को न्याय अन्याय की दृष्टि से देखकर और इस पर गंभीरता से विचार करके निर्णय लेंगे। आप सब निश्चिंत हो जाइए। महामंत्री जी, आज की न्याय सभा यहीं समाप्त की जाए। जो आज्ञा महाराज।
भैया कुछ क्या गुरुदेव इसी प्रकार ध्यान समाधि में खोए रहेंगे। मैं क्या जानू भैया, अब हमें गुरुदेव को जगाना चाहिए। नहीं नहीं ये ठीक नहीं होगा। कुछ क्या कानाफूसी हो रही है, आज पढ़ाई नहीं करनी है क्या? प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान गुणवान कीर्तिमान भव। गुरुदेव हम कब से आपके जागने की प्रतीक्षा कर रहे थे। गुरुदेव आपने कहा था आप हमें रामायण की आगे की कथा सुनाएंगे। हाँ कहा था, परंतु आज मैं असमर्थ हूँ। रामायण की कथा ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है कि आगे का मार्ग दिखाई नहीं देता। मेरे विचार एक स्थान पर आकर अवरुद्ध हो गए हैं। गुरुदेव विचारों का अवरुद्ध होना क्या होता है? लव कुश विचारों का आगे ना बढ़ना ही अवरुद्ध होना होता है। परंतु गुरुदेव मौन थे और अपनी आंखें भी बंद की हुई थी। हाँ इसलिए कि गुरुदेव ध्यान में लीन थे। ध्यान में लीन क्यों थे? सत्यव्रत जी गुरुदेव। लवकुश को ले जाओ और उन्हें व्याकरण का पहले का पाठ पढ़ाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। जाओ बच्चों और तुम सभी लोग यहाँ से जाओ। आओ इधर से। आप चिंतित क्यों हैं गुरुदेव? देवी वैदेही, परमपिता ब्रह्मदेव ने कल रात स्वप्न में आकर मुझसे कहा, वाल्मीकि रामायण की अब तक की कथा हमारे द्वारा प्रदान दिव्य दृष्टि से देखकर तुमने लिखी, अब प्रत्यक्ष देखकर लिखना। तुम्हारे भविष्य ज्ञान की सीमा यहां समाप्त होती है, अब वर्तमान का अवलोकन करो। बस मैं इन्हीं विचारों में लीन था वैदेही। गुरुदेव मुझे लगता है भविष्य भविष्य ही बना रहे यही उचित है। भविष्य का ज्ञान वर्तमान में हो जाना ठीक नहीं होगा। गुरुदेव सब कुछ नियति के हाथ में छोड़ दीजिए, आप अपने आप को पीड़ा मत पहुंचाइए। गुरुदेव हाँ वैदेही तुम ठीक ही कहती हो। कुंडलपुर महाराज सूरत की, 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 कुंडलपुर महाराज सूरत की। कुंडलपुर के सभासदों, सैनिकों और महामंत्री पूर्ण से आज हम बहुत प्रसन्न हैं। आप लोग हमारी प्रसन्नता का कारण जानना चाहेंगे? हमें अभी भी सूचना मिली है कि मेरे आराध्य अयोध्या नरेश श्री राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया है, जिसका अश्व अभी अभी आर्यव्रत भ्रमण के लिए छोड़ दिया गया है। यह तो प्रसन्नता का विषय है महाराज, हमें शीघ्र श्री राम दर्शन के लिए अयोध्या प्रस्थान करना चाहिए। नहीं महामंत्री, हमने बहुत सोच विचार के पश्चात यह निर्णय लिया है कि अयोध्या नरेश श्री राम जी के अश्व का हरण कर लिया जाए। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज, राम भक्त होकर श्री राम के ही यज्ञ के अश्व का हरण करेंगे आप? कुंडलपुर के समस्त प्रजाजन आपकी राम भक्ति से परिचित है महाराज, आपने अपने ही राज्य में कितने ही राम मंदिरों का निर्माण किया है जिनकी कोई गिनती नहीं है महाराज। राम अर्चना तो कुंडलपुर राज्य का धर्म है महाराज। मैं जानता हूं महामंत्री, परंतु राम दर्शन का इससे अच्छा उपाय और क्या हो सकता है? हम समझे नहीं महाराज। महामंत्री पूर्ण सिंह, हमने सुना है यज्ञ अश्व के साथ परम राम भक्त वीर हनुमान और श्री राम के भ्राता महाराज शत्रुघ्न भी हैं। यदि हम राम अस्त्र का प्रयोग कर उनको पराजित कर बंदी बना लें तो क्या स्वयं श्री राम उन्हें छुड़ाने नहीं आएंगे? परंतु महावीर हनुमान और सूर्यवंशी वीर शत्रुघ्न आपके रामास्त्र से पराजित न हुए
तो क्या होगा महाराज? राम अस्त्र से कोई राम भक्त पराजित न हो यह संभव है महामंत्री जी। हम ये प्रयोग करके देखेंगे। आप सेना को युद्ध में प्रस्तुत रहने का आदेश दीजिए। जो आ गया महाराज। महाराज सूरत की, 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 महाराज सूरत की। हे महाप्रभु श्रीराम, मेरे प्रयोग की लाज रखना और जैसे भी हो इन राम भक्तों को दर्शन देने की कृपा करना। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। तुम कौन हो भाई? आप ही के समान श्री राम का एक भक्त जिसकी आशा अभी तक अधूरी है। आशा अधूरी है? कैसी आशा? श्री राम के दर्शनों की आशा। ये मेरा पुनर्जन्म है। यमराज से प्रार्थना करके मुझे ये नया जीवन मिला है केवल श्री राम के दर्शनों के लिए। संभवतः आप मेरा आशय नहीं समझे हनुमान। नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं ये भी नहीं समझ पा रहा हूं कि आप यहां मेरे शिविर में आकर प्रभु श्री राम के नाम का स्मरण क्यों कर रहे हैं। मैं यहां अश्वमेध के श्याम कर्ण अश्व को चुराने के उद्देश्य से आया हूं।